नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पुंछ में शहीद हुए हमीरपुर के लाल रोहिन कुमार को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। चार आर्मी पैरामिलिट्री जवानों व दो बच्चों सहित हिमाचल में अब तक 32 कोरोना पॉजिटिव, 3 हुए ठीक। विभाग संभालते ही राकेश पठानिया की बैटिंग, हिमाचल की न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी जल्द, जंगलों से निकलेगा रोजगार का रास्ता। डीजीपी संजय कुंडू बोले, प्रदेश के थानों में अब रजिस्टर नंबर 26 में दर्ज होंगे महिलाओं व बच्चों के साथ हो रहे अपराध। मंत्रियों के विभागों में हुए फेरबदल पर मुकेश ने ली चुटकी, जो मंत्री तबादला नीति ला रहे थे सबसे पहले उनका ही तबादला कर दिया। बाथू की लड़ी में डूबे दो युवक, पोंग डैम में सेल्फी लेना पड़ गया भारी। ड्यूटी पर जा रहे मंडी के जवान की कार दुर्घटनाग्रस्त, पत्नी संग हुआ गंभीर घायल। कोरोना ने फीका किया बकरीद का पर्व, लोगों ने घरों में रहकर अदा की नमाज। मैक्लोडगंज पहुंचना हुआ मुश्किल, पहाड़ी दरकने और भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। वतन पर कुर्बान होने वाले देवभूमि हिमाचल के लाल रोहिन कुमार को आज उनके पैतृक गांव गलोड़ खास में सैन्य सम्मान के साथ अश्रुपूर्व विदाई दी गई। शनिवार को पुंछ में शहीद हुए रोहिन कुमार की पार्थिव देह सेना के हेलीकॉप्टर में NIT हमीरपुर के परिसर में पहुंची। यहां से सेना की गाड़ी में पार्थिव देह को सैनिक के पैतृक गांव खास गलोड़ पहुंचाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 24 वर्षीय शहीद रोहिन कुमार पुत्र रसील कुमार गांव खास गलोड़ की नवंबर में शादी होनी थी। शहीद जवान भारतीय सेना की 14 पंजाब रेजिमेंट में तैनात था। रोहिन 2016 में सेना में भर्ती हुआ था। आज सुबह ही परिजनों को रोहिन की शहादत की सूचना मिली थी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, CM जयराम ठाकुर ने शहीद रोहिन की आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सोलन में 9, कांगड़ा में 8, शिमला में 6, बिलासपुर में 5 और चंबा में 4 मामले आए हैं। वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। कांगड़ा, शिमला और कुल्लू का एक एक मरीज ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 2596 पहुंच गया है। अभी 1105 एक्टिव केस हैं। अब तक 1466 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज 2862 सैंपल जांच को आए हैं, इसमें से 501 नेगेटिव रहे हैं। 2357 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से अब तक 4 ही पॉजिटिव केस हैं, बाकी केस पेंडिंग सैंपल से हैं। कांगड़ा में बरवाड़ा ज्वालामुखी की 57 वर्षीय महिला ठीक हुई है। महिला कोविड केयर सेंटर डाड़ में भर्ती थी और महिला को घर भेजा जा रहा है। जयराम कैबिनेट ने हाल ही में शामिल करने के बाद वन एवं युवा सेवाएं व खेल विभाग का जिम्मा संभालने वाले राकेश पठानिया का कहना है कि प्रदेश में जल्द ही नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे युवाओं को लाभ मिल सके। शिमला से नूरपुर जाते हुए बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में पठानिया ने कहा कि जंगलों के जरिए रोजगार के साधन विकसित किए जाएंगे। हिमाचल में 66% एरिया जंगलों के अधीन आता है, जिनके जरिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जुटाया जा सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग की जाएगी। पठानिया ने कहा कि वन विभाग के अधीन जो प्रोजेक्ट बिलासपुर, पांवटा साहिब व नूरपुर इत्यादि जगहों पर चल रहे हैं, उनके जरिए भी ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। पठानिया के मुताबिक जंगलों में खैर और चीड़ के पेड़ आमदनी का एक बड़ा सोर्स है। खैर और चीड़ को कैश क्रॉप बनाया जा सकता है। इस बाबत एक प्लान तैयार कराया जाएगा, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं के लिए घर द्वार पर ही स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। डीजीपी संजय कुंडू आज सिरमौर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नाहन में पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, साथ ही क्राइम को लेकर फीडबैक ली। इसके बाद डीजीपी पुलिस थाना कालाम पहुंचे। यहां जायजा लेने के बाद वे माजरा व पांवटा के लिए रवाना हुए। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे कई तरह के अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग कड़े कदम उठा रहा है। प्रदेश में यौन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए रजिस्टर नंबर 26 शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं व बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में रजिस्टर नंबर 26 लगाया गया है। मौजूदा समय में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिरमौर जिले में भी इस क्राइम के मामले आए हैं। स्टडी करने पर पाया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्राइम घर पर ही होते हैं। सबसे कम उम्र का सेक्सुअल क्राइम मंडी की 2 वर्षीय बच्ची, जबकि सबसे अधिक उम्र का अपराध सिरमौर जिले की 75 वर्षीय महिला के साथ हुआ है। उनकी प्राथमिकता है कि महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध को कम किया जाए। जयराम सरकार में मंत्रियों के विभागों में हुए फेरबदल पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री तो तबादला नीति ला रहे थे, लेकिन सबसे पहले उनका ही तबादला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने ताश के पत्तों की तरह मंत्री फेंट दिए हैं। कुछ मंत्रियों को मजबूत किया गया, लेकिन कुछ को दरकिनार कर दिया गया। इतना ही नहीं, किसी को आधा दर्जन विभाग दे दिए तो किसी को विभागहीन मंत्री का दर्जा दे डाला। ऊना में मीडिया से बातचीत के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी मंत्रियों के विभाग बदलना साफ दर्शाता है कि मंत्री 2.5 वर्ष में अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर कार्य नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जयराम स्पष्ट करें कि आखिर मंत्रियों को बदलने की क्या जरूरत पड़ी। मुकेश ने कहा कि जयराम सरकार के अंदर सुगबुगाहट चल रही है, तभी इतनी फेंटा फेंटी हुई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल के तहत पड़ते बाथू की लड़ी में पोंग डैम में 2 युवक डूब गए। युवक राजस्थान के बताए जा रहे हैं। युवकों के डूबने की सूचना मिलते ही एसडीएम ज्वाली पुलिस थाना ज्वाली की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही नूरपुर की एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। युवकों की तलाश जारी है। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ से 2 युवक मुकेश कुमार व अमरजीत नागाबाड़ी में आम की तुड़ाई के लिए आए थे। आज वे बाथू की लड़ी में घूमने निकल पड़े। यहां पहुंचकर पानी में नहाने लग पड़े। अमरजीत पानी में मोबाइल से सेल्फी ले रहा था, तभी वे गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख मुकेश कुमार उसे बचाने लगा। दोनों ही गहरे पानी में डूब गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। एसडीएम ज्वाली सलीम आजम, तहसीलदार संतराम नागर व एसएचओ करतार चंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नूरपुर से एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। छुट्टी काटकर अपनी ड्यूटी को वापस जा रहे जवान की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें मंडी जिला का जवान और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मंडी पठानकोट हाईवे पर गुम्मा घटासनी के पास शनिवार दोपहर 11 बजे के करीब हुआ। घायल जवान को जोगिंदरनगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद सेना अस्पताल योल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में महिला की गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कार चला रहे जवान के सिर पर चोटें लगी हैं। सुंदरनगर के खिला कवाल निवासी रंजीत सिंह छुट्टियों में घर आया था। छुट्टी खत्म होने पर शनिवार को वे कार से वापस अपनी ड्यूटी पर पत्नी मीना के साथ जम्मू कश्मीर के सांबा जा रहा था। इस दौरान जोगिंदरनगर में गुम्मा के नजदीक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने घायलों को नागरिक अस्पताल जोगिंदरनगर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सैन्य अस्पताल योल रेफर कर दिया गया। कोरोना महामारी के चलते मुस्लिम समुदाय का मुख्य त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद इस बार फीका रहा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में रहकर ही नमाज अदा की। बता दें कि ईद उल अजहा यानी बकरीद ईद उल फितर के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है।
दोनों ही पर्वों पर ईदगाह व मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। इस बार दूसरे धर्मों के पर्वों के साथ ईद पर भी कोरोना का काला साया पड़ा है, जिसकी वजह से पर्वों के मौके पर जमा होने वाली भीड़ पर कई सरकारी पाबंदियां हैं। शिमला में भी ये पर्व मनाया तो गया, लेकिन अपने ही घरों में। शिमला की जामा मस्जिद में भी आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व फीका रहा। मौलवी मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी ने बताया कि इस साल हालात एकदम अलग हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, ऐसे में सभी लोगों से घर से ही नमाज अदा करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि इस दिन हजरत मोहम्मद ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, इस कुर्बानी को याद कर इस पर्व को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल मैक्लोडगंज को जाने वाला मुख्य मार्ग भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस सड़क पर हर साल भूस्खलन होना आम बात हो चली है। भारी बरसात के चलते धर्मशाला के कोतवाली बाजार के पास काली माता के मंदिर की पहाड़ी दरक रही है और निचली तरफ भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से सड़क की कुल चौड़ाई घटकर 9 फीट रह गई है। धर्मशाला मैक्लोडगंज सड़क ऊपरी और निचले धर्मशाला को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। इसे एक्टिव स्लाइडिंग जोन के रूप में जाना जाता है। 10 किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग पर पिछले कई सालों से हो रहे भूस्खलन के बावजूद आज तक इस ओर किसी भी विभाग ने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।